Day three, technically, for the rescue of the dog, that puppy that fell in the well. Or abhi aaj hum usko rescue ke liye aaye hain, and you will be seeing the crowd that has gathered over here just to see the rescue. We have arranged for the crane. We have got a team lined up, and we are just gonna go and try to rescue him. One side lock kar diye. अंदर उतरना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, पूरा गहराई में यहाँ से। इनका वो बेसिकली भाई बहन जो भी है वो नीचे गिर गए हैं, और उसको काफ़ी इनके अकॉर्डिंगली 8 से 10 महीने हो चुके हैं नीचे गिरे हुए। अभी हम अपने राउंड वन के लिए तैयार हैं। हम जो है इलियास को नीचे भेजेंगे पहले, ताकि वो सिर्फ सिचुएशन देख कर आए, एंड देन वी आर गोइंग टू सेंड अदर पीपल विद इलियास। और क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा कचरा है, वी वांट टू मेक श्योर कि हमारे लोगों को कोई नुकसान ना हो, दे डोंट कैच एनी बैक्टीरिया और जर्म्स फ्रॉम देयर। तो उसके लिए इनकी तैयारी शुरू हो गई है। दे आर गोइंग टू वेयर देयर प्रोटेक्टिव गेयर, हैजमेट सूट्स एंड एवरीथिंग। हमने हमारी टीम को वॉकी टॉकीज भी दिए हैं, और डॉक्टर बाबर इलियास के हेल्प आउट कर रहे हैं सर्दीज में। सो दैट देर इज़ नो प्रॉब्लम इन द कम्युनिकेशन व्हेन द टीम इज़ डाउन देयर। हमारी हीरोज जो हैं वो प्रॉपरली तैयार हो चुके हैं, और रेस्क्यू टीम इज ऑल सेट टू गो डाउन। Even making prayers for them to be successful. और यहाँ पे सब लोग अपनी ही फिल्मिंग में लगे हुए हैं, क्योंकि आई थिंक दिस इज सो न्यू फॉर देम। डाउन ओके, सो इलियास इज जस्ट कंफर्म कि नीचे सिर्फ एक पपी नहीं है सर, इसको नीचे करना पड़ेगा और बूम को थोड़ा लंबा करें और क्रेन के उल्टे हाथ से मूव कराए थोड़ा सा। सो इलियास इज कम्युनिकेटिंग, और इलियास ने एक बात कंफर्म करी है कि नीचे एक पपी भी है जिसकी हमें लोगों ने रिपोर्ट करी थी, और हमने जो बात कल फुटेज के ऊपर कैमरे पे रिकॉर्डिंग करी थी उससे हमें एक बिल्ली भी नजर आई थी, और उनका कहना है कि दोनों वहाँ पे मौजूद है। आप इधर दूर हट जाएं जरा। We're taking him. Well done, Elias. Great job. जबरदस्त बाजू। और अब हम अपने इक्विपमेंट को थोड़ा सा जो है मॉडिफाई कर रहे हैं टू मेक श्योर कि जो बिल्लियां हैं अंदर वो हम सही से कैच कर सकें, क्योंकि बिल्ली का सबको पता है कि वो बंद जगह पे एक तो और इस तरह की बड़ी सी क्रेन और ये सब कुछ देखकर भागेंगी, और वो पपी से ज्यादा ऊपर जंप भी कर सकती हैं। तो इसको हम जो है नेक्स्ट देना मुकेश। दिस टाइम वी आर गोइंग फॉर कैट्स। आप दोबारा बताएं क्या कहा आपने? सर हमने पकड़ लिया, इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं। कैट पकड़ लिया आपने? जी सर, एक कैट पकड़ ली है। जबरदस्त, बिल्ली पकड़ ली है। ऊपर ऊपर मंगाओ। हाँ ऊपर मंगाओ। पता नहीं इतने अरसे से कैसे जिंदा है। ये हालात हैं आफ्टर फर्स्ट कैट रेस्क्यू राजू और इलियास के। दे आर टेकिंग अ 5 मिनट ब्रेक, और उसके बाद दोबारा दे विल बी इन देयर सेफ्टी गेयर, और हम दोबारा से नीचे जाके सेकंड कैट को लेंगे। अभी कैसा लग रहा है, सेकंड टाइम में कॉन्फिडेंस कैसा था इलियास? सेकंड टाइम में कॉन्फिडेंट तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। हाँ। बस थोड़ी जो ट्रॉली है वो ज़्यादा नीचे चली गई थी। अच्छा। ट्रॉली में हमारे कचरा और पानी वगैरह आ गया था, हम भी गीले हो गए। हाँ। चलो अभी ओआरएस पियो और फ्रेश हो जाओ।
फिर एक और बिल्ली बाकी है, इंशाल्लाह वो भी निकाल के आएंगे इंशाल्लाह। अभी थोड़ा इसको लंबा करेगा, थोड़ा बाहर भी करें ना। सेकंड कैट भी आ गई है, we have the cat, we are going to transfer the cat in the van. Okay, तो ये जो हमारे दो cats हैं, ये बहुत कुएं से अभी rescue हुए हैं। ये वाला is very friendly, he is a very happy little boy, और ये बहुत इसको प्यार चाहिए, he is very sweet। जो ये वाला है, ये बहुत stress में है। जब ये पहले आए थे, दोनों बहुत stress में थे, और वो खाना नहीं खा रहे थे, और जब stress में होते हैं, उनकी immunity भी नीचे चली जाती है। लेकिन स्लोली स्लोली जब हम निकल जाएंगे, होपफुली ही विल स्टार्ट ईटिंग। रात में उसने थोड़ा सा खाया था, और जो ये वाला है, आई डोंट नो वेयर इट इज, हेलो हेलो स्वीटी, हेलो स्वीटी, ये वाला इज वेरी फ्रेंडली, ओ ही इज पर्रिंग एंड एवरीथिंग, आई थिंक ही इज रियली हैप्पी कि वो बाहर आया है। और इसने खाना खाया है, इसका टेम्परेचर ठीक है, लेकिन अभी इनको जब ये स्ट्रेस से निकलेंगे, देन वी आर गोइंग टू प्रॉपरली डिसइंफेक्ट देम एंड एवरीथिंग, राइट नाउ वी आर जस्ट यूजिंग ग्लव्स। तो ये जो कुत्ता है, ये कुएं से निकला था, लोगों ने कहा था कि ये पपी है, लेकिन ही इज अबाउट अ मीडियम साइज डॉग। ये अभी भी बहुत डरा हुआ है, बहुत स्ट्रेस में है, उसने पहली रात खाना नहीं खाया था। आई डोंट नो उसके साथ यू नो अंदर उसके दिमाग में क्या हो रहा होगा, कि आई डोंट नो वो कितनी देर एक्चुअली कुएं में थे, इसी वहाँ पे खाना लोगों ने डाला था, लेकिन पानी आई डोंट नो अगर इनको कैसे मिला था। लेकिन जब स्ट्रेस में आते हैं, इनकी इम्यूनिटी नीचे चली जाती है। तो आप इसकी आंखें देखें, ये स्टिल वेरी वेरी स्केयर्ड, और यू नो थोड़ा सा इसको शॉक हो रहा होगा कि वो दूसरे एनिमल्स को देख रहा है, वो ह्यूमंस को देख रहा है। आई डोंट नो जब वो कुएं में गिरा था क्या उसकी फीलिंग्स थी, आई विश।